ये ऑफ कंडीशन में प्रोसेस करना चाहिए। अब हम इधर एस्केप दबोटे, ठीक है, एस्केप दबोटे, फिर एस्केप दबोटे, प्रोडक्शन आ गया। अब प्रोडक्शन में ऐसे जाइए, फिर उसके बाद इसमें मेंट में जाइए, MAINT मेंट में जाइए। मेंट में जाने के बाद आप इंटर मारिए, इंटर मारने के बाद आप इवल टेस्ट में जाइए, ये यस बोलना पड़ता है। ये सब ऑफ कंडीशन में वो होता है सर्विसिंग में। आप जब ये इंक पे अभी है ना, ये इंक पे है अभी, कुछ नहीं दिखा रहा है। और जब ये टैब का बटन दबोटेंगे ना, तो यहाँ से ऐसे आवाज़ आएगा, तो इसका मतलब है ये सही है आपका। फिर ऐसे ही मेकअप में देखना पड़ेगा, आवाज़ आ रहा है इसमें भी, वैसे ही सब में देखना पड़ेगा। ये आपका इंक सर्किट, मतलब आपका इंक में इंक का भी प्रोसेस चल रहा है, ये भी काम कर रहा है। ऐसे तगड़ा आवाज़ देना चाहिए इंक पंप। ये जब इंक पंप में देखेंगे ना, तो इसको आईसी, ये आपका M6 है, ये M6 है, ये M6 है, M6 पे हाथ धरेंगे तो थोड़ा वाइब्रेट करेगा ये। जब ये क्रॉस हटा देंगे तो ये वाइब्रेट करना बंद हो जाएगा। वैसे ही आपका रिकअप पंप, सॉल्वेंट पंप में, सॉल्वेंट पंप में भी आपका ये वाइब्रेट करेगा। प्रेशर पंप, इसमें भी आपका ये वाइब्रेट करता है, ये वाइब्रेट करता है आपका। ऐसे ही रिकअप में भी ऐसे ही होता है। फिर आते हैं हेड पे, हेड पे जब आएंगे तो ये प्रेशर, प्रेशर पे जब कट 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 कट, ये हेड का पोर्शन है, हेड का पोर्शन है, ये हेड कवर हम इसका खोल दिए हैं। अभी जब आप वो टैब दबोटेंगे ना, अभी जो प्रेशर पे है, जब आप टैब दबोटेंगे तो इसमें से आवाज़ आएगा। अगर बाय द वे किसी एक, ये चारों में से किसी एक में नहीं आया, तो आप हमें बताइए। ये चारों में से रिकअप हुआ, ड्रेन हुआ, मेकअप हुआ, प्रेशर हुआ, ये चारों में से अगर किसी में नहीं आया आवाज़, तो आपका हेड में प्रॉब्लम है। अगर इसमें से कोई किसी में आवाज़ नहीं आया, तो आपका ये जो है इंक सर्किट, इसमें प्रॉब्लम है। आप इतना करके हमें बताइए पहले, किस में आवाज़ आ रहा है, किस में नहीं, फिर हम देखते हैं आगे का।